हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जो अंग्रेजी के परिभाषिक शब्द हैं, समानार्थक, जो हिंदी में अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एसआई की बात करते हैं तो एसआई में इसके 4 से 5 क्वेश्चन के बीच में आएंगे दोस्तों। तो हम विभिन्न परीक्षाओं के जो पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं वह उठा के देखते हैं, क्योंकि उनमें से ही कई बार रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, वो क्लियर कर लेते हैं, उनको क्लियर रखना तो आपके कई क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो पटवारी में भी आएगा दोस्तों, हाई कोर्ट सभी में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें हिंदी आती है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि संचालन लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा है। ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ट्रांजेक्शन। क्या होगा? ट्रांजेक्शन वन आंसर है। बाकी सभी का देखिए उत्तर, टोल टैक्स का पत्थर बोलते हैं, रिज्यूम को फिर से शुरू करना, और रेगुलेशन का मतलब है विनिमय करना। इन सभी को भी ध्यान रखना है। प्रमाणीकरण शब्द का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब देखिए बाकी बचे उनके, ये भी याद करना जरूरी है, कई बार ये वापस रिपीट हो जाते हैं। तो वैलिडेशन का होता है दोस्तों मान्यता। क्या होता है वैलिडेशन का? मान्यता। और कोरिजेंडम का होता है दोस्तों शुद्धि पत्र। और एन्युइटी का होता है वार्षिकता या वार्षिकी। ठीक है, फिर है किस क्रमांक में सही समकक्ष हिंदी शब्द है। तो दोस्तों इसकी बात करता हूँ तो ये रिक्वायरिंग पुनरावृत्ति होती है। ये तो ये पहला ही राइट आंसर है इसका। तो सॉरी दोस्तों, एक मिनट, इसको ध्यान से देखिएगा। रिक्वायरिंग होती है पुनरावृत्ति, डिफेक्ट होता है तथ्यहीन, एक्सचेकर होता है राजकोष, और इन टोटो का मतलब होता है मध्य। इनमें से बताना है आपको कि सही कौन सा है हिंदी समकक्ष है, उसके सामने हिंदी सही कौन सा है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एक्सचेकर, राजकोष। और बाकी इन सभी का देखते हैं, इन टोटो का मतलब होता है दोस्तों, इन टूटू का मध्य में नहीं होता है, उसका अर्थ होता है पूरी तरह से। इन टूटू का पूरी तरह से होता है इसका अर्थ। डिफेक्टो का अर्थ होता है दोस्तों वास्तविक या वास्तव में। और रिक्वायरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, न कि पुनरावर्त। इसमें देखिए लिखने का तरीका अलग है, पुनरावृत्ति इसकी अलग होती है, स्प्रिंग और इसकी अलग होती है। ठीक है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है दोस्तों। ये क्वेश्चन ये वाला है, ऐसा का ऐसा पटवारी में आया है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ऐसा का ऐसा दिया है। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए शीघ्र का, बताइए आपको एक्सपेडिएट, अर्जेंटली, क्विकनेस और फास्टनेस। तो इसका दोस्तों हो जाएगा एक्सपेडिएट। ठीक है, और बाकी का देखते हैं, बाकी के आंसर का अर्थ क्या होता है। अर्जेंटली का मतलब होता है दोस्तों तत्काल। क्या होता है अर्जेंटली का मतलब? तत्काल। ठीक है, क्विकनेस होता है दोस्तों वेग या तेजी, दोनों का अलग अलग अर्थ है, वेग भी बोलते हैं तेजी भी बोलते हैं। फास्टनेस तो होती है दोस्तों स्थिरता। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन है सबोर्डिनेट हिंदी समकक्ष शब्द है। सबोर्डिनेट का हिंदी समकक्ष शब्द बताना आपको। तो दोस्तों बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधीनस्थ। क्या होगा? अधीनस्थ। बाकी का देखिए, सहायक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं सहायक को? असिस्टेंट बोलते हैं। पालनकर्ता को बोलते हैं गार्डियंस, और उत्तराधिकारी को बोलते हैं सक्सेसर। ठीक है, उत्तराधिकारी को सक्सेसर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है अपने पास दोस्तों, किस क्रमांक में सही मेल नहीं है। ये बताना आपको कि किस क्रमांक में सही मेल नहीं दिया हुआ है। तो बताइए, पेंडित होता है लंबित, पर्सनल होता है कार्मिक, रसन रसद, और होनोरेरी होता है मानदेय। तो सही मेल नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपको पता है ये सभी तो राइट है, लेकिन ये जो नीचे वाला है उसको देखिए दोस्तों ज़रा ध्यान से। तो इसका आंसर है दोस्तों 4, क्योंकि होनोरेरी का अर्थ होता है माननीय। क्या होता है होनोरेरी का अर्थ? माननीय। लेकिन जो मानदेय है उसका अर्थ होता है होनोरेबल। ठीक है, होनोरेबल होता है। फिर हम बताते हैं इनिशियल्स का हिंदी समकक्ष क्या होगा। तो दोस्तों इनिशियल्स का पहले ही दिख रहा है, लघुहस्ताक्षर को बोलते हैं इनिशियल्स। ठीक है, इसमें तो ऑटोनोमस सही परिभाषिक शब्द है। ऑटोनोमस सही परिभाषिक शब्द बताना आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपके पास 4 ऑप्शन है, स्वयंभू, स्वायत्त, स्वतः संचालित और खुद का। तो ऑटोनोमस क्या होता है दोस्तों? स्वायत्त। ठीक है, बाकी का देख लीजिए, स्वयंभू होता है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, स्वसंचालित होता है स्वयं संचालित, सेल्फ प्राउड पावर्ड। ठीक है,
अब देखते नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सही पारिभाषिक शब्द है, इसका तो सभी को आता होगा, प्रशासन, दूसरा प्रशासनिक, तीसरा शासकीय और तीसरा प्रशासकीय, तीनों अलग अलग है, एक ही तरीके से नज़र आ रहे होंगे आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वन होगा, प्रशासनिक, प्रशासन, ठीक है, प्रशासन होगा। फिर बताना है आपको मेमोरेंडम सही पारिभाषिक शब्द है, मेमोरेंडम का सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा दोस्तों, इसका बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन। तो मेमोरेंडम को क्या बोलते हैं दोस्तों, बताइए सही आंसर। तो मेमोरेंडम का सही आंसर है दोस्तों विज्ञापन। क्या होता है मेमोरेंडम का, ज्ञापन। देखो सूचना को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, अधिसूचना को नोटिफिकेशन, और विज्ञप्ति को रिलीजेज, ठीक है। मस्टर्ड रोल का अर्थ क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शन है, मस्टर्ड रोल का क्या होता है, नरेगा पंजिका, कर्मचारी उपस्थिति, उपस्थिति पंजिका, कर्मचारी पत्रक। तो आपको राइट आंसर क्या बताएगा दोस्तों, क्या है राइट आंसर, टू, उपस्थित पंजिका, ठीक है। बाकी का देखिए, कर्मचारी पत्रक का होता है एम्प्लॉयमेंट सीट, कर्मचारी उपस्थिति का होता है एम्प्लॉयमेंट अटेंडेंस, और नरेगा पंजिका का नरेगा रजिस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नेचुरल जस्टिस का अर्थ क्या होता है आप बताइए इसका, प्राकृतिक न्याय, प्रकृति विषय न्याय, नैसर्गिक न्याय और निसर्गत न्याय, बताइए सभी एक तरह के हैं। तो इसका राइट आंसर है नैसर्गिक न्याय। बाकी का देखिए, सुपर न्यूट्रेशन का अर्थ क्या है, सुपर न्यूट्रेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पदमुक्ति, अधिवार्षिक, बर्खास्त और सेवावधि, इसका राइट आंसर बताना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दो नंबर, अधिवार्षिक, क्या होता है, अधिवार्षिक, ठीक है। और बाकी का देखिए, पदमुक्ति, डिस्चार्ज करना, बर्खास्त करना, डिसमिस्ड करना, और सेवा मुक्ति, सर्विस पीरियड, ठीक है। अपरिहार्य अंग्रेजी शब्द अर्थ है, अपरिहार्य का अर्थ बताना है आपको दोस्तों, नेसेसिटी, जस्टिफाइड, अर्जेंट और अनवॉइडेबल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर फोर होगा। बाकी का देखिए, जस्टिफाइड को बोलते हैं न्याय संगत, ठीक है, अर्जेंट का अति आवश्यक, और नेसेसिटी का बोलते हैं आवश्यकता, ठीक है, तो अनवॉइडेबल हो गया इसका। फिर है नेक्स्ट एजेंडा, हिंदी शब्द, ये तो सभी को आता होगा एजेंडा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, एजेंडा हिंदी समकक्ष शब्द है, कार्यवर्त, कार्यसूची, कार्यकारी, कार्यकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर है कार्यसूची दोस्तों, सभी को पता है। बाकी का देखिए, कार्यवर्त को मिनट्स कहते हैं, कार्यकारी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और कार्यालय को टेन्योर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना सभी को। होनोरेरियम का अर्थ है, अभी हमने ये क्वेश्चन करके आए थे, होनोरेरियम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये बताइए आप, आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर तो पता होगा सबको, अभी पहले क्वेश्चन किए थे उसमें, होनोरेरियम और होनोरेबल दोनों का अर्थ बताया था मैंने, तो होनोरेरियम का अर्थ है मानदेय, ठीक है। पारिश्रमिक का होता है लेबरियस, और भुगतान का अर्थ होता है पेमेंट, वेतन स्थिरीकरण का पे सेटिस्फेक्शन, ठीक है। फिर है 17वां क्वेश्चन, मसौदा उपयुक्त शब्द है, मसौदा उपयुक्त शब्द है, इसका राइट आंसर बताना है आपको, देखिए क्या होगा बता, ड्राफ्ट, कमेंट्स, लेटर और नथिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ड्राफ्ट, ठीक है। और बाकी कमेंट्स को देखते हैं, टिप्पणियां बोलते हैं, लेटर को पत्र बोलते हैं, नथिंग को कुछ नहीं। अकाउंटेंट जनरल, इसका हिंदी समकक्ष क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटेंट्स जनरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दो नंबर, महानिदेशक, ठीक है। अकाउंटेंट जनरल का राइट आंसर क्या हो गया, महानिदेशक, ठीक है, ठीक है। 19वां देखते हैं, प्रोबेशन हिंदी समकक्ष शब्द है, प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है, परीक्षा, प्रक्रिया, परिवीक्षा, कार्यालय, कार्यवाही, सॉरी कार्यवाही। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों प्रक्रिया, क्या होता है प्रोबेशन का, प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है। बाकी का देखो, परिवीक्षा होता है प्रोबेशन, क्या होता है परिवीक्षा का, परिवीक्षा का क्या होता है दोस्तों, सॉरी इसका तो परीक्षा का तो एग्जाम हो गया, प्रक्रिया का हो गया प्रोसेस, और परिवीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों, इसमें मिसप्रिंट है थोड़ी, ये ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया नहीं होती, प्रक्रिया प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोबेशन
प्रोबेशन के लिए हम परिवीक्षा यूज में लेते हैं, 3 नंबर, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा प्रोबेक्षा, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई लिखने में, ये ध्यान। वेंडोर हिंदी समकक्ष होगा, वेंडोर का अब अर्थ अर्थ बताना है, गवाक्ष, खिड़की, विक्रेता, निविदा, तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, वेंडोर का, तो वेंडोर का होता है दोस्तों विक्रेता, क्या होता है विक्रेता। सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है बताइए, सार्वजनिक अधिसूचना के लिए, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक एजेंडा, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक नोटिफिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या है पता है, नोटिफिकेशन अधिसूचना को कहते हैं, तो पब्लिक नोटिफिकेशन, ठीक है। सही हिंदी समकक्ष शब्द है, सही हिंदी समकक्ष बताना है आपको दोस्तों, तो इसका क्या होगा, पूर्व पदाधिकारी, ठीक है, तथर्थ, गणना और उपयोग, इसमें आपको अर्थ बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों हिंदी समकक्ष शब्द में, तो इसका राइट आंसर होगा तदर्थ, एडोक, ठीक है। और बाकी का देखिए, पूर्व पदाधिकारी को बोलते हैं फॉर्मर ऑफिसर, क्या बोलते हैं फॉर्मर ऑफिसर, पूर्व पदाधिकारी को, ठीक है। फिर गणना संख्या को काउंट नंबर बोलते हैं, उपयोग त्याग को रिलिंक्विशमेंट में बोलते हैं, क्वेरम को गणपूर्ति, डिस्पोजल का निपटान या समापन। अधिशासी के लिए प्रयोग हिंदी शब्द है, अधिशासी के लिए कौन सा, इसमें आंसर आपको नजर आ गया होगा, अधिशासी के लिए आंसर है एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है। सुमेलित नहीं है, कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है वो बताना आपको, अनुरक्षण, मेंटेनेंस, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, स्पष्टांकन, एंडोर्समेंट और दुर्घटना इंडेंट, तो आप सभी को पता है कि दुर्घटना इंडेंट नहीं होता, एक्सीडेंट होता है, तो इसके लिए फोर्थ आंसर से होगा, एक्सीडेंट होता है। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी शब्द है, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए आपको हिंदी शब्द बताना है दोस्तों, तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, तो आरेख, योग्यता आरेख होगा इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। अब बताता है अकाउंटेबल हिंदी शब्द है, अकाउंटेबल का हिंदी शब्द, अकाउंटेबल का बताइए कौन बताएगा, अकाउंटेबल का हिंदी शब्द होता है दोस्तों उत्तरदायी, क्या होता है उत्तरदायी। नल एंड वॉइड, इसका हिंदी समकक्ष शब्द होगा दोस्तों अकृत और शून्य, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए हम बाकी जो एक्स्ट्रा हैं उनको पढ़ लेते हैं, जो अधिकतर अपने काम में आ जाएंगे। देखो अंगीकार करना को बोलते हैं एक्सीड, क्या बोलते हैं अंगीकार करना को एक्सीड। अभियोग को बोलते हैं दोस्तों अक्यूज, क्या बोलते हैं एक्सीड को अक्यूज, सॉरी एक्सीड को तो हम अंगीकार करना बोलते हैं और अभियोग को एक्यूज बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। एडजर्न को बोलते हैं दोस्तों स्थगित करना, एडजर्न को क्या बोलते हैं स्थगित करना। शपथ पत्र या हलफनामा दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको, तो एफिडेविट बोलते हैं इसको, एफिडेविट, ठीक है। कार्यसूची एजेंडा को बोलते हैं, ये भी आ चुका है हमारे एग्जाम में। राजदूत को दोस्तों एम्बेसडर बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों याद रखने हैं। अनुसंगिक का बोलते हैं एंसिलेरी, एंसिलेरी हो गया। स्वायत्त को बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्वायत्त को, स्वायत्त को बोलते हैं ऑटोनोमस। जमानत को हम बेल बोलते हैं। ग्रंथ सूचिकार को क्या बोलते हैं बेबिलियोग्राफर बोलते हैं, ध्यान रखना दोस्तों बेबिलियोग्राफी अलग होती है लेकिन बेबिलियोग्राफर अलग होता है, तो वो ग्रंथ सूचिकार होता है, ठीक है। द्विवार्षिक को बोलते हैं बाइनियल, ठीक है। मंडल परिषद को दोस्तों बोर्ड बोलते हैं और मंडल राजस्व को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल, मंडल परिषद को बोर्ड बोलते हैं। कैजुअल को बोलते हैं दोस्तों आकस्मिक, क्या बोलते हैं कैजुअल को आकस्मिक बोलते हैं। पूंजीवाद को कैपिटलिज्म बोलते हैं, कैपिटलिज्म पूंजीवाद को बोलते हैं दोस्तों। समुदाय को कम्युनिटी बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। सांप्रदायिक को बोलते हैं कम्युनल, कम्युनल बोलते हैं। संविदा को कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इनको तो रट ही लेना, ये ऐसे कैसे आते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास डिक्लेरेशन, जिसको हम डिक्लेरेशन को क्या बोलते हैं घोषणा पत्र, क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन को घोषणा पत्र। प्रष्टांकन को बोलते हैं दोस्तों एंडोर्स, क्या बोलते हैं एंडोर्स, ये भी आपने क्वेश्चन में आया हुआ है। संतुलन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं संतुलन को इक्विलिब्रियम। अशुद्धि पत्र को इरेटा, क्या बोलते हैं अशुद्धि पत्र को इरेटा बोलते हैं। छूट देना, छूट देना इसका अर्थ क्या होता है छूट देने का, एग्जाम्प्ट, ठीक है एग्जाम्प्ट। अभियान को दोस्तों एक्सपेडिशन बोलते हैं, एक्सपेडिशन बोलते हैं अभियान को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देश निकाला ये राष्ट्रीयता त्याग को क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेट्रिएशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? एक्सपेट्रिएशन। अग्रेशन करना, अग्रेशन करना का मतलब होता है दोस्तों फॉरवर्ड करना, ठीक है, फॉरवर्ड, ठीक है। विचारधारा, आइडियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कंटेस्ट कर लेना, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं, तो इनको तो कंफर्म कर ही लेना। विचारधारा को आइडियोलॉजी, पेश करना ले बिफोर, क्या बोलते हैं? पेश करना को ले बिफोर। नक्शा या विन्यास को लेआउट बोलते हैं दोस्तों, लेआउट, नक्शा या विन्यास को। पट्टा को बोलते हैं लीज, क्या बोलते हैं? लीज। विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानमंडल को लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर, ध्यान रखना। विनिमय पत्र को लेटर एक्सचेंज बोलते हैं, विनिमय पत्र को क्या बोलते हैं? लेटर एक्सचेंज। कोष को लेक्सिकन बोलते हैं, कोष को क्या बोलते हैं? लेक्सिकन। संपर्क को लेशन, लीजन, संपर्क को सॉरी लीजन बोलते हैं, ठीक है। भाषाविद, भाषाविद को बोलते हैं लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट, ठीक है। पशुधन को लाइव स्टॉक बोलते हैं, पशुधन को क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइव स्टॉक। प्रथम भाषण को दोस्तों मिडन स्पीच बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। घोषणा नीति, वो घोषणा पत्र, घोषणा नीति घोषणा भी बोलते हैं इसको, मैनिफेस्टो को, दो हो जाते हैं घोषणा पत्र और नीति घोषणा। ज्ञापन को मेमोरेंडम बोलते हैं, अपने पढ़ा ही है। भीड़ को मॉब बोलते हैं, प्रस्ताव को मोशन बोलते हैं। अधिसूचना को नोटिफिकेशन, एग्जाम अभी हमारे इसमें भी आया था। अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस। समानता को पेराइटी बोलते हैं, ठीक है। अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? परमिट, क्या बोलते हैं इसको? परमिट बोलते हैं, ठीक है। अनुज्ञा पत्र या अनुमति पत्र को परमिट बोलते हैं। विशेष अधिकार या प्राधिकार को प्रिविलेजेज बोलते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें दोस्तों, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए।